माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या पर यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हत्या को लेकर यूपी पुलिस की नीयत पर अतीक पहले से ही सवाल उठा चुका था। अतीक की पत्नी सहिस्ता ने सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 18 दिन बाद अतीक और उनके भाई की हत्या इलाहाबाद हाईकोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में हमलावरों ने गोली मारी है। दोनों भाई को एक ही हथकड़ी में बांधकर यूपी पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। अतीक और अशरफ से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस दोनों को लेकर हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराने के लिए पहुंची थी। हॉस्पिटल से इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी करीब 3 किलोमीटर है, जबकि घटना स्थल से प्रयागराज एसएसपी का आवास मात्र 6 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल के बाहर पत्रकारों ने अतीक से सवाल पूछा, जिसका अतीक जवाब दे रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमलावरों को पुलिस पकड़ने की कोशिश, लेकिन तब तक 9 राउंड की फायरिंग हो चुकी थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सपा बीएसपी और कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अतीक अहमद पर 100 से अधिक केस और अशरफ पर 52 अपराधी मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस दोनों को एक ही हथकड़ी में बांध कर रखी थी। हत्या में वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पहले अतीक को गोली मारी जाती है, उसके बाद अशरफ भी जमीन पर गिरता है, जिसके बाद हमलावर दोनों को गोली से भून देता है। अतीक अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता जाहिर कर रहा था, इसके बावजूद सावधानी नहीं बरती गई। अतीक पुलिसकर्मियों के बीच रुक रुक कर मीडिया से बात करता रहा। आमतौर पर कैदियों को पुलिस मीडिया से बात नहीं करने दे रही थी। त्वरित एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की सुरक्षा पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, इसलिए यहां पर जाइए। इसी बीच अतीक की पत्नी के खिलाफ वारंट निकल गया और वे फरार हो गई। अतीक की पत्नी के फरार होते ही हाई कोर्ट में यह मामला नहीं गया। अतीक उमेश पाल हत्याकांड केस में सजाफ्ता थे। उन पर अभी 60 केस में ट्रायल चल रहा था। इसमें हत्या के प्रयास और रंगदारी से जुड़ा केस था। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 2017 से लेकर 2022 तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2017 में 10, 2018 में 12, 2019 में 3, 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। यूपी में पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर सवाल उठा जा चुका है और कई बार सपा योगी सरकार को घेर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक आदेश में कहा था कि पुलिस कस्टडी में हत्या जघन्य अपराध है। यूपी में गृह सचिव और डीएसपी को तुरंत प्रयागराज जाने के लिए कहा गया है। हालात पर सरकार के टॉप अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज में सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू करके पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। यूपी पुलिस के राज्य में सभी थाना प्रभारियों को तुरंत इलाके में जाने को कहा गया है। यूपी में पुलिस कर्मियों को छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो छुट्टी पर है उन्हें वापस बुला लिया गया है। इलाहाबाद से बड़ी खबर है, जहां अशरफ और अतीक के मौत के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है।